खबर मुजफ्फरपुर की है। बता दें कि मंगलवार को जिलाधिकारी प्रवण कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका ससमय निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ दाखिल खारिज के लंबित मामलों का विलम्ब निष्पादन सुनिश्चित करें। DPRO कमल सिंह ने कहा कि बैठक में दाखिल खारिज की भी समीक्षा की गई। साथ ही कहा कि जिलाधिकारी ने कुछ पदाधिकारियों पर सख्ती बरती है जो दाखिल खारिज मामले को अब तक पेंडिंग रखे हैं। समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में चल रही है। इसके साथ ही आंचलिक संसाधन और भू राजस्व की भी बैठक की गई है। बैठक में जो भी सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका ससमय निष्पादन करने का सख्त निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ ई म्यूटेशन, भू दखल दिहानी और भूमि का जो कंप्यूटराइजेशन होता है और दाखिल खारिज, उसकी भी समीक्षा की गई है। और जिलाधिकारी ने कुछ प्राधिकारियों पर बहुत सख्ती बरती है जिन्होंने दाखिल खारिज के मामले को अभी तक पेंडिंग रखा है। मिला जुला करके आज की बैठक इसी संदर्भ में हुई है। समन्वय समिति की बैठक है और आंतरिक संसाधन की बैठक। R9 भारत के लिए परवेज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर, बिहार। भीम बजरंग दल बेतिया नगर इकाई के तत्वाधान में आज नववर्ष के पावन अवसर पर नगर के प्रसिद्ध जोड़ा शिवालय मंदिर प्रांगण में विघ्नहर्ता श्री गणेश मंदिर, संकट मोचन हनुमान मंदिर एवं माता रानी के मंदिर में दीपोत्सव, सामूहिक हनुमान चालीसा एवं माता की मंगल आरती का आयोजन किया गया। उसके पहले मंदिर प्रांगण को दीप एवं भगवा ध्वज से सजाया गया। मौके पर विहिप के जिला मंत्री रमन गुप्ता ने समस्त देशवासियों को भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं दी। आज ही के दिन मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन चैत्र नवरात्रि की कलश स्थापना पर्व है। आज ही वर्ण अवतार झूलेलाल जी का अवतरण दिवस है। आर्य समाज की स्थापना भी इसी दिन हुई थी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के संस्थापक पूज्य डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिन भी आज ही है। ऋषि गौतम का जन्म भी आज है। गुरु अंगदेव का प्रकाशोत्सव भी आज ही है। जैसे कई सुखद संयोग आज जुड़े हैं। उन्होंने आगे बताया, जहां पूरी दुनिया 2021 में अटकी है, वहां हम विक्रम संवत 2078 मना रहे हैं। ये सनातन की महानता ही है कि आज यूनाइटेड नेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पेज पर भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं। ये हम समस्त भारतवासियों के लिए गर्व की अनुभूति है। निश्चित ही हमारा देश आगामी दिनों में विश्व गुरु की भूमिका निभाएगा। मौके पर विहिप नगर अध्यक्ष अरविंद गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, मनोज वणवाल, सुनील श्रीवास्तव, राजू गुप्ता, भास्कर भारद्वाज, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग मौजूद रहे।